हेलो गाइज, वेलकम टू द माई चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलांग वैली के बारे में, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है। सोलांग वैली भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित है। सोलांग वैली एक पर्वतीय घाटी है। सोलांग वैली का नाम इसमें स्थित एक गांव के नाम पे पड़ा है, जिसका नाम सोलांग ही है। सोलांग वैली मनाली से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोलांग वैली पर्यटकों के लिए बहुत ही मशहूर है। सोलांग वैली में विजिट करने का समय लगभग दिसंबर महीने से लेकर फरवरी महीने तक रहता है, जो कि यहाँ पर विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर से लेकर फरवरी तक फुल स्नोफॉल होती है। इसलिए सोलांग वैली में टूरिस्ट लगभग दिसंबर से लेकर फरवरी के महीने में ज़्यादातर आते हैं। पर्यटक यहाँ पर स्कीइंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, स्केटिंग, घुड़सवारी, स्नो स्कूटर, याक की सवारी और जॉबिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब बर्फ़ पिघलने लगती है तब स्कीइंग नहीं कराई जाती है। इसलिए आपका मेन पर्पज़ सोलांग वैली में आकर स्कीइंग करना है तो आप दिसंबर से लेकर फरवरी के महीने में ही विजिट करें, अदरवाइज़ यहाँ पर बर्फ़ पिघल जाती है और स्कीइंग नहीं कराई जाती है। सोलांग वैली के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग हिंदी भाषा तथा हिमाचली और पहाड़ी भाषा बोलते हैं। और सोलांग वैली में अगर खाने की बात करें तो यहाँ की दुकानों पर ज़्यादातर चाय तथा मैगी ही मिलती है। इन दोनों चीज़ों का टेस्ट नॉर्मल से अलग होने के कारण पर्यटकों के बीच यहाँ पर बहुत ही लोकप्रिय है। सोलांग वैली में दुकानों में लकड़ी के क्राफ्ट और जेवर भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और देखा जाए तो सबसे बेस्ट देखने के लिए जो जगह है वह है ग्लेशियर और बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, जो कि बहुत ही शानदार लगती है। हाँ, सर्दियों के मौसम में यहाँ तापमान करीबन 4 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक जाता है और गर्मियों में तापमान देखा जाए तो 5 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और सोलांग वैली में पर्यटकों के लिए यहाँ पर आने का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहता है। और यहाँ आने के बाद 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर लगभग पूरी सोलांग वैली आप आराम से घूम सकते हैं। और यहाँ पर की जाने वाली एक्टिविटीज़ की कॉस्ट की बात करें तो लगभग पैराग्लाइडिंग की कॉस्ट है 1200 रुपये पर पर्सन लगभग, और जॉबिंग और रोपे राइड की भी कॉस्ट लगभग 500 रुपये के आसपास ही है। और भी सभी एक्टिविटीज़ की कॉस्ट लगभग 500 रुपये से लेकर 2000 के आसपास जाती है। और सोलांग वैली के आसपास भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, और इनमें से बेस्ट टूरिस्ट प्लेस जैसे कि हिडिम्बा देवी मंदिर, व्यास नदी, रोहवांग दर्रा, वन विहार, नेशनल पार्क, मनु मंदिर, वशिष्ठ कुंड आदि बहुत ही प्रचलित है। और इस कारण सोलांग वैली टूरिस्टों के लिए बहुत ही लोकप्रिय प्लेस है। ये थी सोलांग वैली के बारे में कुछ जानकारी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।